स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। और अब बातें हम करने वाले हैं धनबाद SNMMCH के पीजी ब्लॉक में दो कोरोना संक्रमित बच्चे एडमिट हुए हैं। बड़ी खबर है ये, एक 6 साल की बच्ची है, दूसरा 3 साल का। तीसरी लहर की आहट पर डॉक्टर्स ने लोगों को आगाह किया है, सावधान रहे वरना बच्चे संक्रमित होंगे। देखिए लगातार इस पर बातें भी हो रही है और विशेषज्ञों की हम बात करेंगे तो तीसरे लहर में जो सबसे ज्यादा खतरा है वो बच्चों पर मंडरा रहा है। और यही वजह है कि तमाम तरह के एडवाइस दिए जा रहे हैं अभिभावकों को, पेरेंट्स को, कि बच्चों को आप किस तरह से, एक तो पौष्टिक आहार आप खिलाते रहे बच्चों को, और दूसरा कि बेवजह कहीं बाहर बच्चों को इधर उधर लेके ना जाए, क्योंकि खतरा बच्चों पर इस बार ज्यादा मंडरा रहा। और देखिए ये जो बड़ी खबर निकली है धनबाद से, SNMMCH के पीजी ब्लॉक में दो कोरोना संक्रमित बच्चों का एडमिट किया गया। 6 साल की एक बच्ची है, 3 साल का एक बच्चा है। तो यह खतरे की घंटी है और इस तरह की जब खबर आती है तो कहीं ना कहीं सरकार के, प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो आशंकाएं जाहिर की जा रही है उन आशंकाओं पर इस तरह की खबरें मुहर लगाती है। मतलब बातें अगर हम कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं तो ये सिर्फ एक बातें हैं, लेकिन जब इस तरह के पेशेंट बच्चे निकलते हैं, और निकले दो बच्चे पहले एडमिट हुए थे, एक 5 महीने की मासूम की मौत हुई थी आपको याद ही होगा उससे पहले। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक करते, पहले अपने सहयोगी कुंदन का उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं, फिर इस खबर पर बात करेंगे। कुंदन, लगातार तीसरे लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की बात सामने आ रही है और इस तरह की खबरें इसकी पुष्टि भी करता है। SNMMCH के पीजी ब्लॉक में दो कोरोना संक्रमित बच्चे एडमिट हुए हैं, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। ईशान, मैं पहले बता दूं कि डॉक्टर्स जो है, धनबाद के डॉक्टर्स और जिला प्रशासन लगातार लोगों को आगाह कर रहे थे कि तीसरी लहर आ रही है, इससे सावधानी बरते। और सबसे बड़ी बात है कि दो बच्चे जो पीजी ब्लॉक में दो बच्चे एडमिट हुए कोरोना पॉजिटिव, वो दोनों बच्चे जो है अपने गार्जियन के साथ एडमिट हुए, तो कहीं ना कहीं उनके गार्जियन इसमें इन्वॉल्व थे। बाहर निकले, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, बिना वजह जो है सड़कों पे निकले, जिसके कारण वो छोटे बच्चे, एक 6 साल की, 3 साल की बच्ची है, और दोनों जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। और दोनों जो है डॉक्टर भूषण के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है उनका पीजी ब्लॉक में। तो कहीं ना कहीं जिशांत, अब तीसरी लहर जो है वो आगाज दे चुकी है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को मिल रहा है, वो भी छोटे छोटे बच्चे, और बड़ों के कारण बच्चे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब जहन में ये डालना होगा कि कम से कम कोविड जो तीसरी लहर आ रही है इससे बचाव करें। कैसे लोग जो है सड़कों पे ना निकले, बेवजह घूमे नहीं, मास्क पहने, सैनिटाइज यूज करें। अभी आपने देखा होगा जिशांत की किस तरह लोग जो है बेवजह सड़कों पे निकल रहे थे, और सोशल जो गाइडलाइंस है कोविड के, वो सारा जो है वो उसके मखौल उड़ा रहे थे, धज्जियां उड़ा रहे थे, और जिसका नतीजा जो है ये छोटे बच्चे जो है, अभी मैं पीजी ब्लॉक में ही हूँ, वो दोनों छोटे बच्चे जो है बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह से लोग नहीं माने तो बच्चे जो है आने वाले समय में, ये आगाज है, इसलिए लगातार जो है जिला प्रशासन, धनबाद के डॉक्टर्स लोगों को आगाह कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कोविड, लोगों को लगा कि कोविड खत्म हो गई है, मास्क यूज करना बंद कर दिए, तो ये सावधानी बरतनी होगी। जी बिल्कुल। कुंदन, झारखंड के अलग अलग जिलों से जो खबरें हम दिखा रहे थे इससे पहले कि बच्चों के संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य महकमा एक्टिव है और बच्चों के लिए अलग से बेड रिजर्व किए जा रहे हैं, धनबाद में क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह से अलर्ट देखने को मिल रहा है और बच्चों के लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है कि अगर आने वाले वक्त में बच्चे ज्यादा, अब तो 2 केस भी वहां पर निकल के आ गए, इन्फेक्टेड बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था इलाज को लेकर की गई है? मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पहले से मुस्तैद थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि लोग जो है बेपरवाही बरत रहे हैं, लोग सड़क पे आ रहे हैं, तो पूरे जो है मुकम्मल तैयारी कर ली गई है SNMMCH में बच्चों के लिए। बच्चे जो है अगर अस्पताल में आते हैं, एडमिट होते हैं संक्रमित बच्चे, तो उनको घर की चिंता ना लगे, उसके लिए जो है सारे चीज जो है इंतजाम की गई है, टीवी है, डॉरी मॉल जैसे जो बच्चे खेलते हैं, बच्चों को खेलने के लिए जो है खिलौने रखे गए हैं, तो इस्तेमाल। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ तक पहुंचे नहीं बच्चे के जो है अभिभावक को सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल, बच्चों के अभिभावकों को सावधानी बरतने की जरूरत है और यही वजह है कि ये खतरे की घंटी कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि भी करता है कि आप इसे लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बचे, खास करके अभिभावक, पेरेंट्स जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुंदन। दो बच्चे SNMMCH में एडमिट कराए गए,
एक 6 साल की बच्ची तो दूसरा 3 साल का बच्चा है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। क्या ये तीसरे लहर का आगाज है? इस पर अब चर्चा करने की जरूरत है।